हेलो गाइस, मैं अनुष्का, सब देख रहे हैं गेम्स चला है। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइस मेंटेनेंस ब्रेक के बाद हम लोग को क्या क्या देखने को मिलने वाला है फ्री फायर के अंदर। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, करेक्टर के अंदर भाई चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, नए नए इवेंट आने वाले हैं, अगर नए गन की स्किन्स आने वाली हैं, गन नहीं आने वाली है, तो गाइस सब मैं आपको बताऊंगा भाई क्या क्या आने वाला है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग को नहीं पता है कि गाइस मैंने आप लोग को टाइमिंग बता दी है कि भाई कब तक भाई फ्री फायर ओपन हो जाएगा, तो गाइस जल्दी से भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो कि मैंने वहाँ पे लिंक दे करके रखी उस वाली वीडियो की, जिसमें मैंने आप लोग पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि भाई फ्री फायर आप लोगों को कब तक ओपन देखने को मिल जाएगा। तो भाई जल्दी से चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए गाइस फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि गाइस मेंटेनेंस ब्रेक के बाद हम लोग को क्या क्या देखने को मिलने वाला है हमारे फ्री फायर के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को अपडेट देखने को मिल जाता है UMPs। हाँ गाइस, हम लोग को UMP की भाई गोल्ड स्किन देखने को मिल जाएगी सीजन में। जैसे कि गाइस जैसे आप लोग गोल्ड पुश कर लोगे रैंक को, तो गाइस आप लोग को सिंपली तरीके से भाई वाली स्किन देखने को मिल जाएगी रिवॉर्ड में, जैसे कि हम लोग को हारवा मिलती है, तो इस बार भी वैसा ही होने वाला है। अगर नंबर सेकंड पे हमारा आ जाता है लोन वुल्फ। हाँ गाइस, लोन वुल्फ जो हम लोगों का राउंड नहीं आया था, मतलब एक मोड आया था, तो गाइस वो भी हम लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए देखने को मिल जाएगा। मतलब गाइस कुछ वीक के लिए भाई देखने को मिल सकता है, हम लोग को एक वीक के अंदर तो कम से कम मिल ही जाएगा एक वीक के लिए। तो गाइस उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, अगर कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं लोन वुल्फ में। अगर जब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड अपडेट की तरफ, जो कि गाइस मेंटेनेंस ब्रेक के बाद हमें देखने को मिलने वाला है, तो गाइस थर्ड अपडेट हम लोग का आ जाता है। तो गाइस नंबर थर्ड पे हम लोग का आता है ये हम लोग की पिंग। जैसे कि आप लोग पिंग नहीं कर देते थे किसी की गन को, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत आती थी पिंग करने को गन को, तो गाइस वो भी हम लोग का अच्छा कर दिया गया है। अब आप लोग इजीली तरीके से भाई पिंग कर पाओगे हमारी गन्स को, जैसे ये गन इधर है, ये मो इधर पड़ी है, आराम से तरीके से आप पिंग कर पाओगे, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है। चलिए गाइस अब आ जाते हैं अपने फोर्थ अपडेट की तरफ, जो कि गाइस हमारा है सबसे गंदा अपडेट ग्रेनर की तरफ से। हाँ गाइस, क्रोनो को भाई और भी गंदा कर दिया गया है। मतलब गाइस क्रोनो को कुछ तो चीज़ें अच्छी की गई हैं, जैसे उसका पहले टाइम था 220 था, तो अब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 120 सेकेंड। और गाइस जैसे कि हम लोगों को मूवमेंट स्पीड देखने को मिलती थी पहले, ज़्यादा देखने को मिलती थी, अब हम लोगों को मूवमेंट स्पीड देखने को मिलेगी नहीं जरा सी भी। हाँ, अगर यही नहीं ने और भी गो मचाया हुआ है। मतलब गाइस अब क्रोनो की शील्ड के अंदर से आप लोग बुलेट नहीं कर पाओगे, मतलब अंदर से अगर आप बुलेट करते हो तो गाइस शील्ड में लग जाएगी, और गाइस बाहर मतलब बाहर एनिमी को नहीं लगने वाली है। तो कितना ही गंदा भाई क्रोनो को इन लोगों ने कर दिया, मतलब ऐसे ही इन लोगों ने इतना गंदा कर दिया था कूल डाउन टाइम इतना दे करके, अगर मूवमेंट स्पीड भी कम कर दी थी, और कहीं इन लोगों ने भाई शील्ड टाइम भी कम कर दिया था, तो कहीं बहुत गंदी गंदी चीज़ें इनने पहले से क्रोनो के साथ करके रखी थी, और भी भाई इनने गू मचा दिया है क्रोनो के साथ। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई अब आप लोगों को क्रोनो भाई कैसा लगने वाला है। अगर ऐसा नहीं है इन लोगों ने भाई और करेक्टर के साथ भी गंदी गंदी चीज़ें की हैं, तो गाइस और भी करेक्टर मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी इन लोगों ने कुछ कर दी हैं, मतलब ज़्यादा तो अच्छी चीज़ें नहीं की हैं, मतलब कुछ इंक्रीजमेंट कर दिया है और करेक्टर में। मतलब क्रोनो को तो बिल्कुल गंदा कर ही दिया, अब तो उसकी शक्ल भी नहीं दिखा रहे क्रोनो की, वो तो भाई छुपा पड़ा है बिल्कुल। आप देख सकते हैं भाई उसमें भी इनकी शक्ल नहीं दिख रही हो भाई, ऐसी भी आप लोग को मैच के अंदर देखने को मिलने वाली भी नहीं है। अब तो गाइस काफ़ी भाई क्रोनो लवर जो थे भाई काफ़ी लोग भाई कहेंगे आप बिल्कुल ही क्रोनो को इन्हें गंदा कर दिया है, आप कोई भी क्रोनो को नहीं यूज़ करने वाला है, मतलब इन लोगों ने पूरी क्रोनो कैसी कैसी कर दी है। चलिए गाइस मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं होते हैं ग्रेना के ऊपर। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि गाइस हमारे निकल के सामने आ रहा है गन से रिलेटेड। मतलब हम लोग को नई गन देखने को मिलने वाली है मैकटेन से। हाँ गाइस, मैकटेन से आप लोगों को नई गन देखने को मिलने वाली है, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी भाई गन होने वाली है। मतलब मुझे तो लग रहा है भाई लॉन्चर टाइप गन होने वाली है, हम लोगों को क्रैश स्क्वाड में भी देखने को मिल जाएगी, अगर बैटल रॉयल मोड में भी हम लोग को देखने को मिल जाएगी। मतलब गाइस काफ़ी अच्छी गन होने वाली है मेरी तरफ से, तो मतलब गाइस मेरा तो यही मानना है। अब पता नहीं गाइस कैसी निकली गन। वैसे गाइस इन लोगों ने काफ़ी गंदा भाई ट्रीटमेंट गन पिछली बार नहीं आई थी गाइस, काफ़ी गंदी उसको दी थी, मतलब गाइस कोई भी उसको यूज़ करता दिखता ही नहीं ज़्यादा ज़्यादा। चलिए गाइस बात कर लेते हैं हम लोग के नेक्स्ट अपडेट की, जो कि गाइस कुछ इवेंट रिलेटेड है। मतलब अब आप लोगों को भाई काफ़ी ज़्यादा इवेंट देखने को मिल जाएंगे मनी हीस्ट के कैरेक्टर के साथ। मतलब आप लोगों को मनी हीस्ट का बंडल देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस फिर से फ्री फायर ने कोलैबोरेशन कर लिया है मनी हीस्ट के साथ, इसलिए मतलब ये देखिए कोलैबोरेशन का साइन भी बीच में बना हुआ है, यहाँ फ्री फायर उधर मनी हीस्ट, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट आने वाले हैं। अगर एक इवेंट और हम लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि हम लोग को दिसंबर में देखने को मिलने वाला है। मतलब अब इसका तो कुछ भी कन्फर्म नहीं आई है न्यूज़ की भाई ये कौन सा अपडेट आने वाला है, कैसा अपडेट होगा, पर कैसा भी अपडेट हो वो हमें देखने को मिल जाएगा दिसंबर के अंदर ही। मतलब मेंटेनेंस ब्रेक के
खत्म होने के बाद 2-3 दिन बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये वाला इवेंट। मतलब ये तो पक्का है, इसमें आप लोगों को सरबोर्ड देखने को मिलने वाला है और इसमें आप लोगों को बंडल देखने को मिलने वाला है, मतलब ये तो पक्का हो गया है। पर अगर और कोई पक्की न्यूज़ नहीं आई है तो भाई इससे ज़्यादा अगर आपको आज की वीडियो होनी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्योंकि डेली एस सेल्फ वीडियो हम लाते रहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेल्फ वीडियो में। बाय।